एरियाज़ ऑफ़ सिमिलर ट्राइंगल्स आपने दो सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज़ को तो इक्वल प्रूफ कर दिया आपने ये देखा कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे क्या यहाँ से एरियाज के बीच में कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं करी जा सकती यानी कि हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स हैं उनके कुछ एरिया होंगे उस एरियाज में और इन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायरस में कोई रिलेशनशिप इस्टैब्लिश करी जा सकती है अब हम यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर की क्यों बात कर रहे हैं सिंपली कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की बात क्यों नहीं कर रहे क्योंकि एरिया भी एक तरह से स्क्वायर यूनिट्स में ही मेजर होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का भी हमें स्क्वायर ही करना होगा ताकि हम रेशियोज़ को इक्वल प्रूफ कर सकें ऑफकोर्स एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करी जा सकती है उस रिलेशनशिप को अब हम इस थ्योरम में पढ़ते हैं जो हमारे पास है थ्योरम सिक्स दैट इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर कॉरस्पोंडिंग साइड्स तो काफ़ी एक ट्रिकी सी स्टेटमेंट है यहाँ पर लेकिन बहुत ईजी ये कंसेप्ट है इसमें यह कहा गया है कि अगर आपके पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और उन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स का कुछ एरिया अगर होगा तो वो जो एरिया होगा उनका रेशियो इक्वल होगा किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल सो so, इसे और अच्छे से समझने के लिए एक बार इसे प्रूफ कर लेते हैं लाइक like, हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल पी क्यू आर और ए बी सी में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दैट इज़ एम कुछ इस तरह से बी सी बेस पर ये ए एम परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करी ए से लाके और पी क्यू आर वाले ट्राइंगल में भी हम पी एन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं क्यू आर पे कुछ इस तरह से लेकिन यहाँ हमें एक चीज़ पता है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं अब बात आती है हमें प्रूफ क्या करना है हमें ये प्रूफ करना है कि एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इक्वल होगा ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर और ये भी इक्वल होगा सी ए अपॉन आर पी के होल स्क्वायर के सिंपली हमें सभी को नहीं किसी भी एक रेशियो को एरिया के इक्वल अगर हम प्रूफ कर देंगे यानी कि एक रेशियो के स्क्वायर को अगर एरियाज़ के रेशियो के इक्वल अगर हम प्रूफ कर देंगे तो इनडायरेक्टली ये सभी रेशियोज़ भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि आपस में सभी रेशियोज़ इक्वल थे और ये सभी रेशियोज आपस में इक्वल क्यों थे क्योंकि ये दो एक सिमिलर ट्राइंगल्स और सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो ऐसा होगा क्या होगा कि ए बी PQ पी क्यू इक्वल होगा बी सी QR क्यू आर के और वो इक्वल होगा सी ए RP आर पी के नेक्स्ट हमें ये पता है ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया होगा वो होगा हाफ बेस इन हाइट जिसे हम लिख लेंगे एरिया ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ बी सी मल्टीप्लाइड बाई ए एम नेक्स्ट हम अगर पी क्यू आर वाले ट्राइंगल का एरिया देखें तो वो भी आएगा विच इज इक्वल्स टू एरिया पी क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ क्यू आर मल्टीप्लाइड बाय पी एन अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ बी सी मल्टीप्लाइड बाई ए एम अपॉन हाफ क्यू आर मल्टीप्लाइड बाय पी एन हाफ से हाफ यहाँ कट हो जाएगा तो यह आएगा एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी मल्टीप्लाइड बाई ए एम अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाइड बाई पी एन नेक्स्ट अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें तो ट्राइंगल ए बी एम और ट्राइंगल पी क्यू एन अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें तो यहाँ पर एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होंगे एंगल एम और एंगल एन इक्वल होंगे एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल क्यू होंगे क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल्स के पार्ट हैं और एंगल एम और एंगल एन इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं परपेंडिकुलर है हैं सो थर्ड एंगल भी इस ट्राइंगल का इक्वल होगा तो एक तरह से ट्रिपल ए सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ए बी एम और ट्राइंगल पी क्यू एन आपस में सिमिलर हो जाएंगे नेक्स्ट ए एम अपॉन पी एन इस सिमिलैरिटी की वजह से इक्वल होगा ए बी अपॉन पी क्यू के तो हम इसे लिख देंगे दैट इज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन आर पी अब जो एरिया वाली हमने इक्वेशन फॉर्म करी थी उसमें हम बी सी और क्यू आर की जगह ए बी और पी क्यू को पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू मल्टीप्लाइड बाई ए एम अपॉन पी एन जहाँ पर हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं जो हमने अभी देखा था कि ए एम अपॉन पी एन इक्वल होगा ए बी अपॉन पी क्यू के सो so हम ए एम और पी एन की जगह ए बी और पी क्यू पुट कर देंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा लाइक एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू मल्टीप्लाइड बाई ए बी अपॉन पी क्यू दैट इज एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर सो so, हमने एक को तो इक्वल प्रूफ कर दिया और बाकी के रेशियोज़ अपने आप इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ए बी और पी क्यू और वी कैन से ए बी अपॉन पी क्यू को हम बी सी अपॉन क्यू आर भी लिख सकते हैं सी ए अपॉन आर पी भी लिख सकते हैं तो हम इसे सिंपली सभी को एक साथ अगर लिखेंगे तो ये होगा एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू सी ए अपॉन आर पी का होल स्क्वायर जो कि हमें प्रूव करना था सो हम इस थियोरम में ये कह सकते हैं इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो देखें तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल आएगा कुछ इस तरह से